नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है आठ अक्टूबर दिन रविवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में बढ़ेगी सख्ती जीविका दीदी ने अपनी मांगों को लेकर सीएम नीतीश को दी चेतावनी बिहार के अट्ठाईस जिलों में तैनात होगी मोबाइल फोरेंसिक लैब मछली मुर्गी बकरी और डेयरी एफ के लिए बनाई जाएगी पॉलिसी आज भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा विश्व कप 2023 का अपना पहला मुकाबला अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की पचीस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बी में मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स सहित कई पदों पर भर्तियां। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड यानी कि बीई की ओर से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स और अन्य पदों पर भर्ती के लिए कुल एक पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक है वे बीई की आधिकारिक वेबसाइट एस टी टी पी एस कोलम स्लैश स्लैश डब्ल्यू 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 डॉट बीई सी आई एल डॉट कॉम स्लैश वैकेंसी पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता निर्धारित की गई है ऐसे में उम्मीदवार इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में बढ़ेगी सख्ती इन दिनों बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके इसको लेकर कई बदलाव किए जा रहे हैं इसी कड़ी में अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर भी सख्ती अपनाई जाने वाली है बता दें कि बहुत जल्दी विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले चालकों का नेत्र जांच भी करवाया जाएगा बता दें कि वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति जिसकी चालीस से अधिक उम्र होती है उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है वही अब इसमें भी जल्द ही बदलाव किया जाएगा और केवल सरकारी डॉक्टरों का रिपोर्ट ही मान्य किया जाएगा दरअसल विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक होती है क्योंकि शाम में सड़कों पर रोशनी कम होती है जिससे आंखों की रोशनी कम होने वाले चालक को देखने में परेशानी होती है और दुर्घटना घटित हो जाती है बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे पुराना सचिवालय के बारे में पुराना सचिवालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है जो बिहार राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है यह भवन अंग्रेजों द्वारा इंडो सरसैनिक शैली में वर्ष उन्नीस में बनकर तैयार हुआ था यह शहर के सबसे बड़े सरकारी भवनों में से एक है यहाँ खूबसूरत और हरे भरे बगीचे के बीच एक विशाल घंटा घर है जिसकी ऊंचाई लगभग एक फीट है पुराना सचिवालय परिसर में कई उल्लेखनीय चीजें हैं जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा की काश्य प्रतिमा यहां का मुख्य आकर्षण है यहां और भी कई उल्लेखनीय मारते हैं जहां अलग अलग सरकारी विभाग के अधिकारियों के कार्यालय है सचिवालय को ब्रिटिश काल में सिडनी के प्रसिद्ध वास्तुकार जोसेफ मुनिंगस द्वारा डिजाइन किया गया था और कलकत्ता के मार्टिन बर्न द्वारा बनाया गया था बिहार प्रशासनिक सेवा के सत्तर अफसरों का तबादला कई जिलों के डीटीओ गए बदले सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला कर दिया गया है और इसके साथ ही कई जिलों के डीटीओ को भी बदल दिए गए हैं बता दें कि सरकार की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के आई अधिकारी प्रशांत कुमार का तबादला करते हुए उन्हें बिहार विकास मिशन का महाप्रबंधक बना दिया गया है और साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है इसके साथ ही जिन अफसरों का तबादला किया गया है उनमें भारतीय राज पूजा कुमारी प्रशांत अवि प्रियंका सिन्हा विश्वजीत कुमार अंशु कुमारी रचना सिन्हा सुनीता कुमार दीपिका कश्यप पंकज कुमार घोष निकिता मीनाक्षी राजकुमार सिन्हा नीलम कुमारी सोनाली समेत कई नाम शामिल है बता दें को सत्तर अफसरों का इधर उधर किया गया है जीविका दीदी ने अपनी मांगों को लेकर सीएम नीतीश को दी चेतावनी बीते दिन हजारों की संख्या में जीविका दीदी अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की राजधानी पटना पहुंची जहां उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया हालांकि इस दौरान लोगों को भीड़ की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वही इस दौरान जीविका दीदी के द्वारा बताया गया की उनके द्वारा वेतनमान और स्थायीकरण की मांग को लेकर बीते कई दिनों ऐसी आंदोलन किया जा रहा है लेकिन सरकार की ओर ऐसी इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इन्होंने कहा की जब समाज सुधारने के लिए नीति नीतीश कुमार ने राज्य के अड़तीस जिलों में भ्रमण किया था उस वक्त हम लोग उनके साथ खड़े थे लेकिन आज जब उनकी बहने भूखी है उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है तो वे आज नीतीश भैया के पास आई हैं अपना अधिकार मांगने आई हैं हमें भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए ताकि हमारी भी कोई पहचान हो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अगर हम उनको ताज पहना सकते हैं तो कदमों में गिरा भी सकते हैं बिहार के 28 जिलों में तैनात होगी मोबाइल फोरेंसिक लैब बहुत जल्दी बिहार के 28 जिलों और 9 पुलिस जिलों में मोबाइल फोरेंसिक लैब की स्थापना होने वाली है फिलहाल इसको लेकर आवश्यक भवन निर्माण उपकरण खरीद और वैज्ञानिकों के लिए बहाली की प्रक्रिया चल रही है जो कि जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और साथ ही इन जिलों में मोबाइल फोरेंसिक लैब स्थापित करने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है बता दी की एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना भागलपुर और मुजफ्फरपुर प्रमंडल में स्थायी फोरेंसिक लैब की स्थापना की गयी है वही जिन जिलों में मोबाइल फोरेंसिक लैब की स्थापना की गयी है में गया और पूर्णिया है इसके अलावा कई ऐसे प्रमंडल भी हैं जहां मोबाइल फोरेंसिक लैब स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जा चुकी है और वहाँ आवश्यक मापदंड को पूरा करने के लिए भवन निर्माण चल रहा है शिक्षक बहाली को लेकर के के पाठक ने डीएम को दिया निर्देश बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही के के पाठक की ओर से सभी डीएम को यह भी निर्देश दिए गए हैं की वो अपने अपने जिलों में ऐसी जगह की तलाश करे जहाँ पर दो ऐसी तीन शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिदिन हो सके उन्होंने पत्र में कहा की बहुत जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीपीएससी का परिणाम संभव है इसलिए जल्द रिजल्ट की देखते हुए समुचित व्यवस्था की जाए नियुक्ति से जुड़ी सारी औपचारिक प्रक्रिया ऑनलाइन होगी इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक बैकअप केंद्र की भी व्यवस्था की जाए मछली मुर्गी बकरी और डेयरी एफपीओ के लिए बनाई जाएगी पॉलिसी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब राज्य में डेयरी मुर्गी बकरी और मछली पालन के लिए एफ यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी तैयार की जाएगी जिससे पाँच हजार तक किसान जुड़ सकते हैं उन्होंने बताया की पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ कृषि के अलावा मछली मुर्गी बकरी और डेयरी के लिए भी एफ पॉलिसी बनाई जा रही है कोसी बेसिन विकास परियोजना वर्ष दो के जून महीने तक समाप्त हो जाएंगे उसके बाद को दी गई राशि के आधार पर राज्य में मछली मुर्गी बकरी और डेयरी पालन के लिए बैंकों से लोन लिया जा सकेगा उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक मछली मुर्गी बकरी और डेयरी कर आई सृजन के लिए लाभार्थी परिवारों को कुल सत्तर दशमलव दो आठ करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें की वर्ष दो हजार में राज्य में आठ लाख टन मछली उत्पादन किया गया है बी की लैंडलाइन सेवा बिहार में होगी बंद बहुत जल्दी बिहार से भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से लैंडलाइन की सेवा हटा ली जाएगी बता दें कि सबसे पहले छोटी छोटी जगहों से इस सेवा को बंद करने की शुरुआत की गई है जिसके तहत सबसे पहले उन इलाकों से पहले लैंडलाइन के कनेक्शन को बंद किया जा रहा है जहां अधिकतम 20 लैंडलाइन कनेक्शन लगे है आपकी जानकारी के लिए बता दें की वर्तमान में राज्य में लैंडलाइन के पैंतीस उपभोक्ता है वही अब लैंडलाइन सेवा को बंद करके लोगो को ऑप्टिकल फाइबर युक्त टेलीफोन के साथ इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी इसको लेकर बी का मानना है की ऑप्टिकल फाइबर से लोगों को अच्छी सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी वहीं अब टेलीफोन एक्सचेंज की जगह पर ओ यानी कि ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट लगाया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे इसके लिए योजना भी बनाई गई है बता दें इसके लिए एक अक्टूबर से घर घर डिजिटल तरीके से केसीसी अभियान चलाया जा रहा है मालूम होगा इस कार्य को सफलता पूर्वक पूरा किया जा सके और अगले तीन महीनों में किसान लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जा सके इसके लिए इस कार्य को राज्य सरकार के वित्त कृषि एवं पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग के साथ साथ नाबार्ड सभी कमर्शियल बैंक पंचायतें और जिला प्रशासन मिलकर कर रहा है बता दें के अभियान के लिए पर्याप्त धन भी आवंटित किया गया है जो कि बिहार के करीब अड़तीस दशमलव आठ एक लाख किसानों को मिलेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की कुल संख्या राज्य में पचहत्तर दशमलव छह छह लाख है जिनमें से छत्तीस दशमलव आठ पाँच लाख किसानों के पास के नहीं है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुधेंद्र कुमार मजूमदार के बारे में एयर कमांडर सुधेन्द्र कुमार मजूमदार भारतीय वायु सेना में एक अधिकारी और हेलीकॉप्टर अग्रणी थे मजूमदार ने अपने उड़ान करियर की शुरुआत रॉयल इंडियन एयर फोर्स से की 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर उन्हें उन्नीस सौ अड़तालीस में अपने उड़ान पंख प्राप्त किए और चौदह मई को एक पायलट अधिकारी और फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त किया जो तूफान और स्पीड फायर उड़ाते थे ये भारतीय रक्षा और अर्ध बलों में एस पचपन हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पहले भारत के पायलट थे इसके अलावा ये प्रथम हेलीकॉप्टर योग्य उड़ान प्रशिक्षक सबसे पहले एक उभयचर ऑपरेशन करना भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण इकाई के संस्थापक और छत पर लैंडिंग करने वाले पहले व्यक्ति बने उनके वायुसेना के समय के ग्राहकों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी शामिल थे उनके उत्कृष्ट सेवा और हेलीकॉप्टर विमानन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए उन्हें दो में रोटरी विंग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सिकोरस्की पार्नरिंग पुरस्कार ऐसी सम्मानित किया गया था बिहार के तर्ज पर इस राज्य में होगी जातीय गन्ना। जब से बिहार में जातीय गन्ना की सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है तब से कई राज्यों में इस तरह की मांग उठने लगी है इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस पहल को सराहा गया और कहा गया है कि राजस्थान सरकार की भी बिहार सरकार की तरह ही जातीय गणना करवाएगी उन्होंने कहा कि हम यह अवधारणा लेकर चलेंगे कि जनसंख्या के अनुरूप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी दी जा चुकी है इसलिए बहुत जल्द ही राजस्थान सरकार भी की ओर से भी इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी उन्होंने कहा की जातीय गणना के नतीजों ऐसी सरकार को समाज के विभिन्न वर्गो के लिए नीति बनाने में मदद मिलेगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा भी कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में जाती गणना की व्यवस्था बनाई थी और उसी के आधार आरोप हम यहाँ भी यह काम करेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति तलाक मामला में ज्योति सिंह के वकील ने कही ये बात बीते दिन एक बार फिर से भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अपनी पत्नी से तलाक मामले में आरा के सिविल कोर्ट पहुंचे जहां पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की पेशी हुई इस दौरान ज्योति सिंह के वकील के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को कहीं का नहीं छोड़ा है अगर ज्योति सिंह कहीं बाहर निकलती है तो लोग यही बोलेंगे की यह पवन सिंह की वाइफ है जिसे उन्होंने छोड़ दिया है उन्होंने कहा की पवन सिंह ज्योति सिंह को तीन करोड़ रूपए दे दे और नोएडा में एक घर दे दे लेकिन पवन सिंह की तरफ ऐसी एक करोड़ रूपए सेटलमेंट की बात कही गयी थी जो हम लोग नहीं मानेंगे या तो पवन ज्योति सिंह को रखने के लिए तैयार हो जाए या ज्योति सिंह की मांग को पूरा करे ऐसे में बीते दिन करीब एक घंटे के दलीलों के बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया प्रदेश के तापमान में होगी बढ़ोतरी प्रदेश में मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है इन दिनों बारिश की गतिविधियां भी रुकी हुई है ऐसे में अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से तापमान में कमी देखी गई थी लेकिन अब एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है बता दें इन दिनों तापमान में लगभग पाँच डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है कहा जा रहा है की मानसून की विदाई का सबसे पर्याप्त समय बना हुआ है वही मानसून की विदाई के साथ ही अक्टूबर मध्य तक रात का तापमान कम होना शुरू हो जाएगा हालांकि वातावरण में धूल कण की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिससे कोहरा के साथ दूषित हवा के स्तर में बढ़ोतरी होगी विभाग की माने तो इस बार कुहासी और ठंड की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है मौसम विभाग ने ग्यारह अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना ऐसी इनकार किया है पश्चिम चंपारण के मरचा धान को मिला जीआई टैग बिहार के पश्चिमी चंपारण के मरचा धान को बिहार में छठे उत्पादन के रूप में जीआई टैग मिल गया है बता दें कि मरचा धान की खेती विकसित करने के लिए जिले के डीएम दिनेश कुमार राय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसके लिए जिला स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं डीएम की ओर से किसानों को जी टैग प्रमाण पत्र वितरित कर बधाई दी गयी और कहा गया की कि किसानों को बेहतर प्रबंधन और मार्केटिंग के लिए सहयोग किया जाएगा उन्होंने कहा की आज का दिन पश्चिम चंपारण के लिए सौभाग्यशाली है आज गौरवशाली इतिहास बना है पश्चिम चंपारण के किसानों ने यह सफलता मेहनत के बदौलत पाई है अब राज्य में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में मरचा धान पहुंचेगा मालूम हो कि राज्य में जीआई टैग मिलने वाले उत्पादों की संख्या छह हो गई है जो कि फसलों के स्वाद और गुणवत्ता को देखते हुए दी गई है बता दें कि मरचा धान में सुगंध और स्वाद दोनों पाया जाता है किसान नेता राकेश टिकैत ने लालू यादव से की बड़ी मांग बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत अपने तीन दिवसीय दौरे पर बिहार की राजधानी पटना पहुंचे वहीं उन्होंने इस दौरान राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने किसानों की जर्जर हालत को बताया है उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां किसानों को एमएसपी दर नहीं मिल रहा यही कारण है की देश भर में लगने वाले मजदूरों की मंडी में सिर्फ बिहारी मजदूर नजर आते हैं उन्होंने लालू यादव ऐसी निवेदन किया है की बिहार में एम दर आरोप किसानों ऐसी संपूर्ण खाद्यान्नों की खरीदारी सुनिश्चित की जाए इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है की धान अधिप्राप्ति के में परिवर्तन कराकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अधिक से अधिक एमएसपी दर पर किसानों से धान की खरीद हो सके लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रखंडों में धान का विशेष क्रय केंद्र खोला जाए साथ ही धान गेहूँ खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए मल्टीपल एजेंसियों को शामिल किया जाए सीएम नीतीश ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश इन दिनों सभी पार्टियों की ओर से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है इसी कड़ी में अब सीएम नीतीश में पिछले कई समय से अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं वही बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की गयी जिसमे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा सभी मुस्लिम नेताओं को टास्क दिया की वे सरकार की तरफ से चलाई जा रही कार्यक्रमों की जानकारी सही ढंग से जनता तक पहुंचाने का काम करे इसके साथ ही नेताओं को ए आई एम आई एम ऐसी सचेत रहने का भी निर्देश दिया गया है नीतीश कुमार से मिलने अचानक पहुंचे लालू यादव बीते दिन एक बार फिर से राजस्थ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचे बता दें कि उनकी यह मुलाकात लगभग पंद्रह मिनट तक चली मालूम हो कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने के लिए जाने से भी पहले लालू यादव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी वहीं से पहले नीतीश कुमार भी कई बार राबड़ी आवास जाकर लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं ऐसे में अब इनके मुलाकात से बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है बता दें की दो दिन पहले नीतीश कुमार और लालू यादव से आनंद मोहन ने भी मुलाकात की थी ऐसे में इन मुलाकातों के अब कई अहम मायने निकाले जाने लगे है हालांकि इन मुलाकातों में हुई बातचीत को लेकर अब तक नीतीश कुमार या लालू यादव के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है यह छात्र नहीं दे पाएंगे मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पचहत्तर फीसदी उपस्थिति को लेकर बोर्ड सख्त रूप अपनाए हुए हैं इसी कड़ी में अब बोर्ड की ओर से सेंट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत वे विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे जिनकी उपस्थिति पचहत्तर प्रतिशत कम होगी बता दें की यह जानकारी बोर्ड के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र के माध्यम ऐसी भेज दी गयी है जिसमे कहा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट या माध्यमिक वार्षिक परीक्षा दो के लिए सेंटअप परीक्षा में वही विद्यार्थी हो पायेंगे जिनकी उपस्थिति शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत होगी वही वैसे बच्चे जिनकी उपस्थिति पचहत्तर प्रतिशत ऐसी कम होगी उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दी की इंटर की सेंटर परीक्षा की शुरुआत सत्ताईस अक्टूबर से तो वही मैट्रिक की सेंटर परीक्षा की शुरुआत तेईस नवम्बर से होने वाली है आज भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा विश्व कप 2023 का अपना पहला मुकाबला आज यानी कि 8 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2023 का अपना पहला मुकाबला दोपहर दो, दो बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेलने वाला है बता दें कि अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट में कुल एक मैच खेले गए हैं जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से कुल तिरासी मैचों में जीत हासिल की गई है तो वही भारत की ओर से कुल छप्पन मैचों में जीत हासिल किए गए हैं ऐसे में कहा जा सकता है की ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलरा भारी है वही इन एक मैच में से भारत में इन दोनों टीमों के बीच कुल सत्तर मुकाबले खेले गए है जिसमें से 32 मैच में भारत ने जीत दर्ज की है तो वहीं 33 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया में कुल चौवन मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 14 मैच में जीत हासिल की और ऑस्ट्रेलिया ने अड़तीस मैचों में वहीं इसके अलावा न्यूट्रल वेन्यू पर इन दोनों टीमों के बीच पच्चीस मैच खेले गए हैं जिनमें से भारत ने दस तो ऑस्ट्रेलिया ने बारह मैच में जीत हासिल की है इसके अलावा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के बीच कुल बारह मैच खेले गए हैं जिनमें से भारत को चार मैच जबकि ऑस्ट्रेलिया को आठ मैचों में जीत मिली है ऐसे में आज का यह मैच देखना बेहद ही रोमांचक होने वाला है है की कौन सी टीम अपने नाम जीत दर्ज करती है भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज भारतीय वायुसेना का गठन उन्नीस में हुआ भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य उन्नीस में बना भारतीय गेहूं पर 2004 में मोनसेंटो का पेटेंट रद्द हुआ केन्या के पर्यावरणविद वांगड़ी मथाई को शांति का नोबेल पुरस्कार 2004 में दिया गया प्रसिद्ध वकील न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब जी की जन्म अठारह में हुआ बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार का जन्म उन्नीस में हुआ हिंदी शून्य के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का निधन उन्नीस में हुआ संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन उन्नीस में हुआ भारतीय राजनीतिज्ञ लेखक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी का निधन उन्नीस में हुआ आज के दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वालकर में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क के रूप में संतावन हजार के भुगतान के लिए कथित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई एक रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है की रसीद नकली है आर ऐसी कोई रसीद जारी नहीं करता यूपीआई और पेमेंट ऐप पर गलत पेमेंट करने के बाद ऐसे वापस पाए पैसे कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई और पेमेंट ऐप पर हम गलत पेमेंट कर देते हैं ऐसे में अगर आप उस पैसे को वापस पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि सबसे पहले यदि आपने गलती से गलत यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर पर पैसे भेज दिए हैं तो आप इसे वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं दूसरा यदि आपने कोई यू पी किया है जिसे आप रिवर्स करना चाहते हैं तो पहला कदम अपने बैंक या यू सेवा प्रदाता के ग्राहक सहायता ऐसी संपर्क करना है लेन देन संदर्भ संख्या तिथि और राशि सहित सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है वे प्रक्रिया के दौरान आपका मार्गदर्शन करेंगे और लेन देन को उलटने में आपकी सहायता कर सकते हैं यूपीआई लेन देन के मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि समय की संवेदनशीलता के कारण यह महत्वपूर्ण है कुछ बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाता ऐसे अनुरोधों के लिए समय सीमा लगाते हैं और यदि लेन देन रिवर्सल को पूरा करता है तो आपका रिवर्सल प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा सीबीएसई ने दसवीं बारहवीं परीक्षा में किए बदलाव प्रश्न पत्र को लीक और वायरल होने से रोका जा सके इसको लेकर इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के लिए कई सेट में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे जिन्हें बोर्ड के द्वारा सभी केंद्रों पर भेजा जाएगा बता दें कि इस संबंध में सीबीएसई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र में सवाल तो एक ही रहेंगे केवल उनकी संख्या बद दी जाएगी वही जिस केंद्र पर कौन सा प्रश्न पत्र का सेट भेजा जाएगा इसकी जानकारी बस बोर्ड को रहेगी ऐसे में अगर किसी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होता है तो उसके अनुसार केवल उसी परीक्षा केंद्र पर ली गई परीक्षा को रद्द की जाएगी जबकि पहले इस स्थिति में पूरी परीक्षा को रद्द किया जाता था आपकी जानकारी के लिए बता दें की सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी से अप्रैल तक लेने का निर्णय लिया गया है वही प्रायोगिक परीक्षा पन्द्रह जनवरी से पंद्रह फरवरी तक आयोजित की जाएगी जीएसटी काउंसिल बावनवी बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बावनवी बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं बता दें कि इस दौरान मोटे अनाज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा बताया गया कि अगर 70 प्रतिशत मोटे अनाज के आटे को खुला बेचा जाए तो इस पर शून्य प्रतिशत जी लगेगा वही अगर इसे पैक कर कर बेचा जाए तो इस पर पाँच की जी लगेगी इसके अलावा काउंसिल की ओर ऐसी शीरा आरोप भी जी एस टी घटाकर प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है वही अल्कोहल शराब के निर्माण के लिए आपूर्ति आप किए जाने पर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की छूट को मंजूरी दी गई है जी के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा सड़सठ ऐसी सत्तर कर दी गई है जॉब वर्क सर्विसेज पर जी एस प्रतिशत कर दिया गया है हम प्रतिदिन आपसे पाँच ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपा कर करके यह में कॉमेंट करके जरूर बताए हमारा पहला सवाल है हाल ही में पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ खोला जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ ऑप्शन बी दिल्ली ऑप्शन सी हैदराबाद ऑप्शन डी चेन्नई इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ अगला सवाल हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है ऑप्शन ए गोल्ड ऑप्शन बी सिल्वर ऑप्शन सी ब्रॉन्ज ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड अगला सवाल बिहार के किस स्थान पर जम्मू कश्मीर से लालसर नामक पक्षी प्रवास करने आते हैं ऑप्शन ए कुशेश्वर पक्षी विहार, ऑप्शन बी नगी पक्षी विहार, ऑप्शन सी गोगा ऑप्शन डी बक्सर पक्षी विहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बक्सर पक्षी विहार। अगला सवाल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था ऑप्शन ए सुंदरी देवी ऑप्शन बी राम प्यारी देवी ऑप्शन सी भगवती देवी ऑप्शन डी प्रभावती देवी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवती देवी अगला सवाल बिहार में चावल और गेहूं के बाद सर्वाधिक हिस्से में कौन सी फसल बोई जाती है ऑप्शन ए ज्वार ऑप्शन बी तिलहन ऑप्शन सी मक्का ऑप्शन डी तीसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मक्का बीते दिन हमारे द्वारा पूछे था सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाप हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा अनवर करीम खान सोनू कुमार तांती मनीष सिंह मोहम्मद असगर कमाल सुरेंद्र कुमार अनवर करीम खान कपिल कपिलवशाह सलीम अंसारी उमेश ऋषिदेव मनोरंजन प्रसाद रंजीत मिश्रा मोहम्मद फहीम वेद प्रकाश सिंह धनंजय कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच में आपके अनुसार किस टीम का पलड़ा भारी है अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आजकल इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद